त्यांवरती चर्चा झाली. एकूणच केलं होतं महाराष्ट्र राज्य राज्याच्या ज्या काही आवश्यकता आवश्यकता म्हटल्यानंतर लगेच समस्या म्हणण्याची काही आवश्यकता नाही. पण त्या महाराष्ट्र राज्य राजकीय गोष्टी घडामोडी असतील त्या आपल्या ठिकाणी आवश्यकता म्हटल्यानंतर लगेच समस्या म्हणण्याची काही आवश्यकता नाही. देशातलं एक पण त्या महाराष्ट्र राज्य राजकीय गोष्टी घडामोडी असतील त्या आपल्या ठिकाणी आवश्यकता म्हटल्यानंतर लगेच समस्या म्हणण्याची काही आवश्यकता नाही. देशातलं एक पण त्या महाराष्ट्र राज्य राजकीय घडामोडी असतील त्या आपल्या ठिकाणी म्हटल्यानंतर समस्या म्हणण्याची काही आवश्यकता नाही. देशातल्या पण त्या महाराष्ट्र राज्य समन्वयामध्ये सगळ्या गोष्टी आल्या. डिड यू डिस्कस द सीए एंड द एनपीआर इशू? डिड यू डिस्कस द सीए एंड द एनपीआर इशू? बिल्कुल चर्चा हुई. सीए एनपीआर एनआरसी सारी बातें हो गई. और जैसे आपको पता होगा कि मैंने बीच में एक साक्षात्कार दिया था, सामना में आया था और सामना के माध्यम से पूरे देश में वो सारे लोगों ने देखा और मैंने मेरी भूमिका स्पष्ट की है. सीएए क्या है, एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है, मैंने बात समझ ली है और मैंने मेरी भूमिका स्पष्ट की है. तो तुम्ही सामना वाचला असाल ना आणि सामना वाचायला मग काय रिपीट कशाला करायचं? सुनिए, एक बात ऐसी है कि सीए को लेकर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है. सीए उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये किसी को देश से निकालने के लिए कानून नहीं होने जा रहा है. हालांकि ये बात सच है कि अपने पड़ोसी जो देश है उसमें जितने पीड़ित अल्पसंख्या है उसमें है, मानता हूं मैं हिंदू है, हिंदू होंगे, उनको यहाँ की यहाँ नागरिकत्व देने के लिए वो कानून है. तो पहली बात ऐसी है कि सीएए से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है. एनआरसी के बारे में बीच में शायद संसद में ही भूमिका स्पष्ट की है केंद्र सरकार ने. एनआरसी पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा. आसाम तक की बात है, वहाँ भी जो कुछ चल रहा है सबको पता है. रही बात एनपीआर की, वो और सेंसस तो हर 10 साल में होता है, वो होने की आवश्यकता है. और मैंने मेरे राज्य के सारे तमाम जितने नागरिक हैं उनको आश्वस्त किया है किसी के भी अधिकार मैं किसी को भी छिनने नहीं दूंगा. तो बात स्पष्ट है, सीए आ गया तो किसी को डरने की बात नहीं है. और एक सेकंड, ओके नहीं, जो जानकारी है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ. ये ऐसी कोई मेरी राजनीतिक भूमिका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ. और एनआरसी में जो एक वातावरण माहौल किया जा रहा है कि मुसलमानों के लिए खतरनाक होगा, ऐसे नहीं. ये तो सब लोगों को अपनी जो नागरिकता की बात है, सिटीजनशिप, उसके लिए कतर में रहना ही होगा. तो वो जो बात है वो बात नहीं होने जा रही है. एनआरसी की बात नहीं होने जा रही है. क्योंकि कांग्रेस सीएए को लेकर अलग लाइन लेती है, एनपीआर को एनपीआर को लागू करने की बात नहीं है. लेकिन लागू नहीं, देखो ऐसी बात है, मैंने कहा कि एनपीआर जो है उसमें वो भी किसी को घर से बाहर निकालने के लिए कानून नहीं लाने जा रहे. सेंसस की बात है, जनगणना जिसे हम कहते हैं, वो तो हर 10 साल में होती है. और इसमें भी अगर जब वो शुरू हो जाएगी बात और उसमें भी अगर हम देखेंगे कि अरे नहीं ये तो बात खतरनाक है तो विवाद हो सकता है. एनपीआरच्या प्रश्नावरती ह्या विषयावरती ती माहिती तर आज नाही तर उद्या सगळ्यांकडे येणार आहे. आली पण असेल तर ते सगळेजण घेऊन बसू शकतात, बघू शकतात आणि त्याच्यामध्ये जर काही आक्षेपार्ह असेल तर त्याच्यावरती आपण बोलू शकतो. मग तेव्हा करू आपण बोलू शकतो की बाबा हे नाही एक मान्य नाही हे बोलू शकतो. दूसरी बात ऐसी है कि जैसे आप सभी लोगों को पता है बीच में मैंने एक पत्र लिखा था जीएसटी के बारे में, तो वो भी विषय मैंने चर्चा में था. और जीएसटी का पैसा आ तो रहा है लेकिन जिस तेजी से आना चाहिए वो नहीं आ रहा है. तो ऐसे कुछ मुद्दे थे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. महाराष्ट्र में तो स्थिति यह है कि 10 जिलों में कोई कंपनी नहीं आ रही है, तो किसान हमारे बहुत ही संकट में है. तो ये सारी बातें जो मुद्दे हैं, हो गई बात. महाराष्ट्र प्रश्न
महाराष्ट्राचे जे प्रश्न आहेत त्याला मी महाराष्ट्रात उत्तर दिलेलं आहे आणि मी महाराष्ट्रात बघेन. नाही असं नाहीये. हो त्याच्यावरती पण एक मिनिट, चर्चा झालेली आहे, त्याच्यावरती पण चर्चा झाली आणि लगेच जे काही चित्र निर्माण केले जाते की राज्यपाल आणि सरकारमध्ये वादाची ठिणगी, अशी ठिणगी वगैरे काही पडलेली नाहीये. काही मुद्दे जे आहेत की बाबा अधिवेशन जवळ आल्यानंतर काही गोष्टी करू शकतात काही करू शकत नाही, ते विषय आहेत. जिन लोगों ने वो भड़काया है उन लोगों ने भी वो समझने की आवश्यकता है. तो पहले जिसे हम विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, जिसका हम समर्थन करने जा रहे हैं या समर्थन कर रहे होंगे तो क्यों हम समर्थन कर रहे हैं, पहले जो भी वो नेता होता है उसको समझने की आवश्यकता है. कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस आपके साथ है राज्य में, ठीक है ना. कांग्रेस प्रयास नहीं, ज्या गोष्टी आहेत त्या समोर आहेत, स्पष्ट आहेत. आणि मला असं वाटतं एक 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 गोष्ट पूर्णपणे समजल्यानंतर, जसं तुम्ही एनपीआरचं म्हणाला, येऊ रे एक मिनिटानं, तर त्याचे पूर्ण जे काही रकाने आहेत त्यातली जी काही कलम आहेत, जब सामने आ जाएगी बात पता चलेगा क्या है. आप दिल्ली में रहती हो, आपको पता है दिल्ली में यह आंदोलन चल रहा है. मैं थोड़े हाथ हूँ दिग्विजय सिंह वहां गए, कांग्रेस के कई अन्य लीडर वहां पर जाके भाषण देके आए, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो कहा कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोग ही वहां भड़का रहे हैं. मैं दिल्ली में नहीं रह रहा हूं. ये तो टीवी पे आपने भी देखा. नहीं टीवी मैंने देखा, उस वक्त तो नहीं देखा था. देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर सेक्युलर महाराष्ट्र विकास अनगवर्नमेंट वेदर इट कैरी फॉरवर्ड. डू यू एज चीफ मिनिस्टर डू यू बिलीव दैट यू विल बी एबल टू सक्सीड इन कैरिंग फॉरवर्ड दिस गवर्नमेंट फॉर 5 इयर्स और बिकॉज द वे यू आर टॉकिंग शोज दैट देयर इज ऑलरेडी. बिल्कुल कुछ नहीं है, हमने मन बना लिया है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उस आधार पर हम आगे जा रहे हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है. जीएसटीच्या बद्दल जे बरोबर आहे, जीएसटीच्या बद्दल मी तुम्हाला तेच सांगितलं की जीएसटीचे पैसे येत आहेत. मध्ये मी पत्र लिहिलं होतं तेव्हा ते 14,000 कोटीच्या आसपास होते, त्याच्यानंतर पैसे आलेले आहेत, पण ते पैसे येण्याची गती थोडी हळू आहे, ती वाढवली गेली पाहिजे. कारण का की राज्य सरकार म्हणून आम्ही राज्यात सुद्धा चांगल्या योजना आणतो आहोत. तुम्हाला कल्पना असेल की या मार्चपासून आम्ही शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याची जी योजना जाहीर केलेली आहे तिची अंमलबजावणी सुरू होईल. त्याच्यानंतर आणखीन 2 योजना आम्ही सरकार शेतकऱ्यांसाठी आणतो आहोत, त्याच्याबद्दल आमच्या अंमलबजावणीसाठी पैशाची आवश्यकता लागणार. काँग्रेस के साथ तो हमारी बात चल रही है और इसलिए महाराष्ट्र में तो शांती है. बात करेंगे ना, हम बात करेंगे ना. जिस तरीके से आजकल कांग्रेस और आपकी पार्टी के अंदर कई मामलों को लेकर मतभेद हैं. कौन बोले, कौन बोला? चलो मले जाए सोनिया जी से मिलना है. ओपनिंग जाने की शक्यता है, तुम्हें बीजेपी सोबत जाने की शक्यता है. ब्रो में बने रहने के लिए खिलाफत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए.